रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज जो किचन क्लोजअप में रेसिपी शेयर की गई है वो है फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार बनी है। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी है। ये जानने के लिए कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। चले हम आप सबके लिए मजेदार किस्म की फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई रेसिपी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिंगर फिश आज किचन क्लोजअप में रेसिपी शेयर की जा रही है। साइमन मछली मैंने ली है, ये देखिए इस तरह करके मैंने इसके फिंगर चिप्स की तरह पीस करवा लिए। हाफ के जी फिश लिए, इसको मैंने नमक डाल के रख दिया था आधा घंटा और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत आसान और बिल्कुल केएफसी स्टाइल जैसी मैं ये रेसिपी बना रही हूँ आपको। इसमें सोया सॉस डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। दो तरह से ये बनाई जाती है, आज मैं आपको केएफसी स्टाइल बता रही हूँ, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बाद में बताएंगे। और ये चिली सॉस 2 टेबल स्पून। दूसरा मेथड मैं आपके साथ फिर किसी और रेसिपी में शेयर करूंगी। ये सॉल्ट डाल दिया आपके टेस्ट के मुताबिक और अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा से मिक्सअप करते हैं। बहुत मजेदार सी बनती है, होटलों में जाके इतनी महंगी खाने से अच्छा आप घर में बने फ्रेश और अपने हाथों से साफ सुथरी। फिश पर कोटिंग करने के लिए हमने लिया मैदा। मैदा लिया मैंने 1 कप। अब इसके अंदर मैं डालूंगी स्पाइस, किसी भी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक और कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबल स्पून। ये तीनों चीजें डाल के हमने इसको कर लेना अच्छे से मिक्स। ये देखिए फिश को मैरिनेट हुए आधे से 1 घंटा पूरा हो चुका है। बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है फिश हमारी। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सबसे पहले हमने इसको डिप करना होगा अंडे में। ये देखिए इस तरह करके एग में डिप करके अब हम इसे मैदे में कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह करके दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर मैदे को स्टिक करना है। ये देखिए इस तरह करके, अगर आप चाहें तो 2 कोटिंग कर सकते हैं, यानी कि एक दफा अब इसको ये हमने कर लिया, अब इसको दोबारा से अंडे में डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल बनेगी, आप भूल जाएंगे बड़े बड़े ब्रांड से खाना। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर दोबारा से मैदे को अब अच्छे से आपने हाथ से इस पर स्टिक करना है कोटिंग को। ये देखिए ताकि इसके ऊपर क्रंच से बन जाए, ये इस तरह। ये देखिए और बाकी का जो मैदा है वो डस्ट कर देंगे। ये देखिए ठीक है, इसी तरह करके मैं सारी रेडी कर। कोटिंग हमारी हो गई है, बहुत अच्छी तरह से मैंने सब पे कोटिंग कर ली। आप चाहें तो इसको इस तरह फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे निकाला और फ्राई कर लिया। चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और उसमें तेल भी डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे फिश को। ये देखिए ये इस तरह का होना चाहिए ऑयल हमारा, जैसे ये देखिए ठीक है, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा। ये इस तरह करके मैं सारी फिश इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए ये देखिए मैंने
डिश इसके अंदर डाल दी है। अभी मैंने कोई स्पून कुछ भी इसके अंदर नहीं चलाना है, लो टू मीडियम हीट पे 3 से 4 मिनट तक मैं इसको फ्राई होने दूंगी कि फिश हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर हम मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम इसमें स्पून चलाएंगे इस तरह करके और इसकी साइड को टर्न करेंगे। ये देखिए अब हम इसे और फ्राई होने देंगे कि अभी अच्छे से हमारी क्रिस्पी क्रंची सी हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से हाफ डन हो गई है ये। अब इस स्टेज पे भी निकाल के रख सकते हैं, अगर आपने कभी दावत वगैरह में सर्व करना है, आपने हाफ डन करके इसको निकाल लिया और जैसे ही मेहमान आए आपने इसको दोबारा से फ्राई कर लिया, फुल फ्राई करके फिर सर्व कर लें, आपका काम आधा रह जाएगा। चले हम आपसे 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फ्राई हो गई है। ये देखें फिश कितनी अच्छी फिंगर फिश का कलर आया और कितनी अच्छी फ्राई हुई है। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल देते हैं। ये इस तरह करके मैं निकाल दूंगी और बाकी जो रह गई है मैं उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, बाकी की भी फिश को कर लेते हैं फ्राई। ये देखिए मजेदार सी हमारी क्रिस्पी, ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रंची सी बनी है। चले अब ये बाकी भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मजेदार किस्म के केएफसी स्टाइल फिंगर फ्राइड फिश हमारी खाने के लिए तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है चिली गार्लिक सॉस के साथ, बहुत मजेदार बहुत टेस्टी बनी है। अगर आपको लगता है नई सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई तो आपने करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।